अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू कंफर्ट पोजीशंस। सो फर्स्ट वी विल सी द डेफिनेशन ऑफ कंफर्ट पोजीशनिंग। सो पोजीशनिंग इज डिफाइंड एज प्लानिंग द पर्सन इन ए प्रॉपर बॉडी अलाइनमेंट फॉर द पर्पस ऑफ प्रिवेंटिव, प्रमोटिव, क्यूरेटिव एंड रिहैबिलिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ और प्लेसिंग द पेशेंट इन गुड बॉडी अलाइनमेंट एज नीडेड थेरेपिटिकली। तो पोजिशन क्या है कि मतलब कि एक जो पेशेंट हैं, एक पेशेंट को या पर्सन को प्लेस करना इन ए प्रॉपर बॉडी अलाइनमेंट, ठीक है ना। मतलब कि एक पेशेंट को है जो है प्रॉपरली प्लेस करना है इन ए प्रॉपर बॉडी अलाइनमेंट, इन ए गुड बॉडी पोस्चर फॉर द पर्पज ऑफ, किस पर्पज़ के लिए, प्रिवेंटिव, प्रमोटिव, क्यूरेटिव एंड रिहैबिलिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ, ठीक है ना। और प्लेसिंग द पेशेंट इन गुड बॉडी अलाइनमेंट, ठीक है ना। सो सिंपली हम बोलेंगे कि पोजीशनिंग है एक जो पेशेंट है उसको प्रॉपरली प्लेस करना है बेड पे इन ए प्रॉपर बॉडी अलाइनमेंट में, ठीक है ना, उसी को हम बोलते हैं पोजीशनिंग। नेक्स्ट हमारे इसमें आते हैं जो आता है पर्पज़ आता है इसमें टू प्रिवेंट बेड सोर्स को प्रिवेंट करने के लिए हम पोजीशनिंग चेंज कर, टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन कॉज बाय इमोबिलिटी, तो इमोबिलिटी से भी हम प्रिवेंट करने के लिए पोजीशनिंग, और टू प्रोवाइड प्रॉपर बॉडी अलाइनमेंट, टू स्टिमुलेट सर्कुलेशन, टू प्रमोट कम्फर्ट टू द पेशेंट, ठीक है ना। तो ये है इसके पर्पजेस। नेक्स्ट जो इसमें आता है दैट इज़ पोजिशनिंग ए पेशेंट फॉर एग्जामिनेशन और ट्रीटमेंट, ठीक है ना। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोजिशंस होती हैं जो एक पर्सन के लिए एग्जामिनेशन करते हैं, ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या आता है, पहले दैट इज सुपाइन और हॉरिजॉन्टल और रिकमेंडेड पोजिशन, ठीक है ना। तो सुपाइन पोजिशन क्या है, द पेशेंट लाइज ऑन हिज बैक विद हिज हेड एंड शोल्डर्स आर स्लाइटली एलिवेटेड। तो ये जो है आप देख सकते हैं ये इमेज में, दिस इज़ ए सुपाइन पोजीशन। तो ये क्यों, हम इंडिकेशंस क्या है, इट इज़ यूजुअल पोजीशन। और मतलब कि एग्जामिनेशन ऑफ चेस्ट एंड बॉडी, अगर कोई एग्जामिनेशन चेस्ट या बॉडी की करनी पड़ती है या एब्डोमिनल की एग्जामिनेशन होती है, तो उस पेशेंट को हम स्पाइन पोजीशन में रखते हैं। तो इसके पर्पज़ क्या है, टू प्रोवाइड कम्फर्ट टू द पेशेंट, तो पेशेंट को कंफर्ट प्रोवाइड करने के लिए पोजीशन देते हैं। टू परफॉर्म फिजिकल एग्जामिनेशन, अगर हम फिजिकल एग्जामिनेशन चेक करते हैं तो यही पोजीशन हम देते हैं। टू चेक वाइटल, अगर वाइटल चेक करने तो ये पोजीशन हमें देना है, सुपाइन देना है। ड्यूरिंग सर्जिकल प्रोसीजर्स एंड पोस्ट ऑपरेटिवली, तो पोस्ट ऑपरेटिवली यही है देते हैं हम। तो नेक्स्ट क्या है, दैट इज़ प्रोन पोजिशन। ये जो आप इमेज में देख रहे हैं यह है प्रोन पोजिशन। तो पोजिशन इन विच द पेशेंट लाइज ऑन द एब्डोमिनल विद द हेड टर्नड टू वन साइड। तो क्या है ये प्रोन पोजिशन, इसमें एब्डोमिन जो है ना वो नीचे की तरफ होता है, तो हेड होता है वो एक साइड में होता है, उसी को हम प्रोन पोजिशन कहते हैं। तो इंडिकेशंस क्या है, पोस्ट ऑपरेटिवली अगर कोई सर्जरी हो तो सर्जरी के बाद पोस्ट ऑपरेटिवली यही पोजिशन हम देते हैं। पेशेंट विद प्रेशर सोर्स, अगर किसी पेशेंट को प्रेशर सोर्स हैं, बर्न्स, इंजुरीज एंड ऑपरेशन ऑफ द बैक, अगर बैक में कोई सर्जरी हुई हो, बर्न्स हुई, इंजरी हुई, तो हम प्रोन पोजीशन पेशेंट को देते हैं। तो रिलीव एब्डोमिनल डिस्टेंशन, तो इससे क्या होता है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन रिलीव होता है। तो नेक्स्ट क्या पोजीशन, दैट इज डॉर्सल रिकम्बेंट पोजीशन। जो आप इमेज में देख रहे हैं ये है डॉर्सल रिकम्बेंट पोजीशन। तो क्या ये, पेशेंट लाइज ऑन बैक, नीज फुल्ली फ्लेक्सड, थाइज फ्लेक्सड एंड एक्सटर्नली रोटेटेड, फीट फ्लैट ऑन द बेड। तो क्या है ये पोजीशन में क्या है, जो क्लाइंट हैं विद पेनफुल डिसऑर्डर्स हैं, अगर तो उसको क्या करना है, उसको हम डॉर्सल रिकमेंड पोजीशन देना है। उससे क्या है कि उनकी जो पेन है वो रिलीव होती है। और जो ये पोजीशन है, दिस पोजिशन शुड नॉट बी यूज फॉर एब्डोमिनल असेसमेंट करनी है, तो उसके लिए ये पोजिशन यूज़ नहीं करते हैं।
क्यों? बिकॉज इट प्रमोट्स कंट्रैक्शन ऑफ एब्डोमिनल मसल्स, इससे जो एब्डोमिनल मसल्स हैं वो कंट्रैक्ट होते हैं, तभी एब्डोमिनल एसमेंट में हम ये पोजीशन यूज़ नहीं करते हैं। तो इसके इंडिकेशंस क्या है? इट इज़ यूज फॉर कैथेटराइजेशन, वेजाइनल टच, वल्वल वेजाइनल एंड रेक्टल एग्जामिनेशन। तो ये क्या करते हैं, कैथेटराइज अगर पेशेंट को करना है तो ये पोजीशन देते हैं, अगर वेजाइनल कोई एग्जामिनेशन करना है या रेक्टल एग्जामिनेशन करना है तो हम ये पोजिशन यूज़ करते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर वेजाइनल ऑपरेशन एंड इंसर्शन ऑफ टेम्पोन्स। तो अगर टेम्पोन्स, वेजाइनल ऑपरेशन कोई भी होना होता है तो ये पोजिशन यूज़ ही होती है उसके लिए भी। अगर मतलब कि वेजाइनल ऑपरेशन करने हैं या टेम्पोन इंसर्ट करने हैं और रेक्टल टेम्परेचर चेक करना है और फिर फॉर पेरिनियल केयर देना हो, तो इन सब में के पेशेंट को डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन देते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्या था, दैट इज़ लेटरल पोजीशन। तो लेटरल पोजीशन क्या है कि द क्लाइंट लाइज ऑन द साइड विथ वेट ऑन द हिप एंड शोल्डर, और द पेशेंट लाइज ऑन हिज साइड विथ बोथ आर्म्स फॉरवर्ड एंड हिज नीज एंड हिप्स फ्लेक्सर। तो ये आप जो पोजीशन देख रहे हैं दैट इज़ लेटरल पोजीशन। तो लेटरल पोजीशन में पेशेंट साइड में होता है तो हिप पे ये उसका जो वेट आता है, तो उससे क्या होता है, हियर द हेड नेक एंड बैक इज़ द स्ट्रेट लाइन। तो ये जो लेटरल पोजीशन है आप देख सकते हैं, जो जो इसकी लेग्स हैं वो स्ट्रेट होती हैं इसमें, और जो उसकी जो आर्म है वो बिलो हेड होता है। तो ये इंडिकेशन क्या है इसकी, पेशेंट हु रिक्वायर्स पीरियोडिक पोजिशन चेंज। अगर पेशेंट को, किसी पेशेंट को पोजिशन चेंज करनी है आवरली, सेकेंड आवरली, तो हम विद लेटरल पोजिशन, हम उसको लेटरल पोजिशन ही देते हैं। इन इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट्स, अगर इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट करते हैं तो यही पोजिशन देते हैं। यूज इट फॉर एग्जामिनेशन ऑफ पेरिनियल एंड रेक्टल एग्जामिनेशन, अगर सपोजिटरी इंसर्ट करना है तो यही हम देते हैं। और फॉर गिविंग बैक केयर, एनिमा एंड क्लोनिंग, तो अगर हमें एनिमा देना है कोई रेक्टल एग्जामिनेशन, ये भी पोजीशन हम यूज़ करते हैं उसके लिए। तो नेक्स्ट क्या आता है इसमें, दैट इज सिम्स पोजीशन। इन दिस पोजीशन द क्लाइंट लाइज ऑन द ऑन एदर द राइट और लेफ्ट साइड, द लोअर आर्म बिहाइंड द बॉडी एंड अपर आर्म इज बेंट एट द शोल्डर एंड एल्बो, द नीज आर बोथ बेंट विद द अपर मोस्ट लेग मोर एक्चुअली बेंट। तो सिम्स जो पोजीशन है उसमें क्या होता है, जो क्लाइंट है वो इधर राइट साइड में होता है या लेफ्ट साइड में होता है। तो इसके इंडिकेशंस क्या होते हैं, वेजनल एंड रेक्टल एग्जामिनेशन होती के लिए ये पोजीशन यूज़ करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनिमा एंड सपोजिटरीज, अगर एनिमा देना है पेशेंट को तो यही पेशेंट पोजीशन यूज़ करते हैं। यूज फॉर रिलैक्सेशन एंड एंटीनेटल एक्सरसाइज, अगर प्रेगनेंसी में एक्सरसाइज करते हैं तो सिम्स पोजिशन की यूज़ करते हैं। पोजिशन फॉर सिग्मोइडोस्कोपी एंड प्रोटास्कोपी, अगर सिग्मोइडोस्कोपी प्रोसीजर करना है तो उसके लिए सिम्स पोजिशन यूज है। तो कंट्रा इंडिकेशन क्या है, पेशेंट विद लेग इंजरीज एंड आर्थराइट्स यूजुअली कैन नॉट एज्यूम दिस पोजिशन। अगर किसी पेशेंट को लेग इंजरीज हो या आर्थराइट्स प्रॉब्लम हो या जॉइंट इन्फ्लेमेशन हो, तो उन सब में क्या है, ये पोजिशन नहीं देते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, दैट इज लेथोटोमी पोजिशन। लेथोटोमी, द क्लाइंट लाइज स्पाइन विद हिप्स फ्लेक्सड, द लेग्स आर सेपरेटेड एंड थाइज आर फ्लेक्सड, द पेशेंट्स बटक्स आर केप्ट ऑन द एज ऑन द टेबल एंड लेग्स आर सपोर्टेड बाय स्ट्रिप्स। तो ये आप देखते हैं, तो ये पोजिशन कब हम यूज़ करते हैं, फॉर वेजाइनल डिलीवरी ऑफ बेबी। अब अगर वेजाइनल डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी के लिए हम लेथोटोमी पोजिशन देते हैं पेशेंट को, फॉर रेक्टल एग्जामिनेशन एंड जेनिटो यूरिनरी सर्जरीज। अगर नॉर्मल डिलीवरी होती है तो उसमें पेशेंट को लेथोटमी पोजीशन देते हैं। फॉर रेक्टल एग्जाम, अगर रेक्टल एग्जामिनेशन कर रहे हैं या जेनिटो यूरिनरी सर्जरीज हैं तो उसमें भी लेथोटमी पोजीशन यूज़ करते हैं। फॉर वेजाइनल एग्जामिनेशन एंड हिस्ट्रेक्टोमी, हिस्ट्रेक्टोमी अगर पेशेंट को करनी है, जो जो हम कंट्रासेप्टिव ये करते हैं प्रोसीजर, तो उसके लिए भी लेथोटमी पोजीशन यूज़ करते हैं। तो उसके दो टाइप्स हैं, दैट इज़ हाई लेथोटमी और लो लेथोटमी। तो नेक्स्ट क्या आता है, दैट इज फाउलर्स पोजीशन, जो आप
इमेज में देख रहे हैं ये है फॉलर्स पोजिशन, इट्स ए सिटिंग पोजिशन इन विच द हेड इज एलिवेटेड एट 45 डिग्री टू 60 डिग्री एंड द क्लाइंट नीज आर स्लाइट एलिवेटेड अवॉइडिंग प्रेशर ऑन द पॉपलिटल वेसल्स। तो ये जो फॉलर्स पोजिशन ये हम यूजुअली पेशेंट को कंफर्टेबल करने के लिए, इसमें पेशेंट कंफर्टेबल मील्स भी ले सकता है और पेशेंट इसमें कंफर्टेबल रहे। उसमें पेशेंट को हम एनजी ट्यूब भी, अगर पेशेंट को कोई पेशेंट खुद खाना नहीं लेता है तो पेशेंट को हम नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब से खाना देते हैं, तो उसमें भी पेशेंट को फाउलर्स पोजीशन पे लाना है तो ही हम पेशेंट को फीड दे सकते हैं। तो इसमें इंडिकेशन क्या है, टू रिलीव डिस्निया, अगर पेशेंट को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है तो उसमें इससे ये इम्प्रूव करने के लिए, रिलीव करने के लिए पोजीशन देते हैं। टू इम्प्रूव सर्कुलेशन, सर्कुलेशन इम्प्रूव करने के लिए भी ये देते हैं। टू रिलीव टेंशन एंड एब्डोमिनल स्ट्रेचर, तो उसमें भी ये पोजीशन देते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, दैट इज ट्रेडलिंग बर्ब पोजीशन, ट्रेडलिंग बर्ब पोजीशन देख सकते हैं आप। द पेशेंट इज प्लेसड इन स्पाइन पोजीशन, तो इसकी जो जो पेशेंट है ये हम इमरजेंसी में देते हैं। यूज इट इन इमरजेंसी सिचुएशन लाइक शॉक हो, हेमोरेज है या हाइपोटेंशन हो, अगर किसी पेशेंट का बीपी लो हुआ होगा या शॉक हुआ होगा पेशेंट या ब्लड लॉस हुआ होगा, तो पेशेंट को हम ट्रेडलिन बर्ब पोजीशन देते हैं उस टाइम। पोस्टरल ड्रेनेज, अगर ड्रेनेज पेशेंट को पोस्टरल ड्रेनेज लेनी है पेशेंट से तो ही हम ये ट्रेडलिन बर्ब पोजीशन देते हैं। पेशेंट्स विद डीप वेन थ्रोम्बोसिस, अगर डीप वेन थ्रोम्बोसिस पेशेंट को, जो वेन्स में प्रॉब्लम आती है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस होती है पेशेंट को, वो भी तब भी हम यही देते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, दैट इज रिवर्स ट्रेडलिन बर्ब पोजीशन, द एंटायर बेड इज टिल्ट सो द बेड इज हेड इज हायर देन द फीट, तो इसमें बेड को टिल्ट किया जाता है और जो हायर हेड, हायर हेड हायर पोजिशन में आता है तो फीट लोअर में आता है। उसमें यूज इट फॉर हेड एंड नेक प्रोसीजर, अगर हेड और नेक का कोई प्रोसीजर करना है, सर्जरी करनी हो, तो हम उसमें रिवर्स ट्रेडलिन बर्ब पोजिशन देते हैं। इट हेल्प्स इन ब्रीदिंग एंड डिक्रीज ब्लड सप्लाई टू द एरिया, जो अपर एरिया होता है उसमें डिक्रीज ब्लड सप्लाई होती है इससे, तो ही हम फीट को लोअर करते हैं उसमें। और जो है जो फुट बोर्ड उसमें यूज़ करते हैं तो वो नीचे आता है उसमें, टू प्रिवेंट द पेशेंट फ्रॉम स्लाइडिंग टूवर्ड द फुट। तो नेक्स्ट क्या है, दैट इज नी चेस्ट पोजिशन, द पेशेंट रेस्ट ऑन द नीज एंड द चेस्ट, द बॉडी इज एट द 90 डिग्री एंगल टू द हिप्स विद बैक स्ट्रेट एंड आर्म्स अबव द हेड और केप्ट द बॉडी साइड्स एंड द हेड टर्नड इनटू द वन साइड। तो जो नी चेस्ट पोजिशन ये आप देख सकते हैं, ये पोजिशन इसमें इमेज में देखते हैं, तो ये क्यों हम यूज़ करते हैं, यूज इट फॉर वेजनल एंड रेक्टल एग्जामिनेशन, ये भी हम यूज वेजनल रेक्टल एग्जामिनेशन यूज इट इन फर्स्ट एंड ट्रीटमेंट एंड कॉर्ड प्रोलैप्स, अगर कॉर्ड प्रोलैप्स जो प्रेगनेंसी में होता है, जो डिलीवरी के टाइम, तो भी हम ये पोजिशन यूज़ करते हैं। एंड रिट्रोवर्टल यूट्रस, अगर रिट्रोवर्टल यूट्रस हो तो उसमें ये पोजिशन हम देते हैं। एज एक्सरसाइज फॉर पोस्टमार्टम एंड गाइनोलॉजिकल पेशेंट, जो गाइनी पेशेंट्स होते हैं उसको, तो पोस्टमार्टम जो एक्सरसाइज होते हैं तो उसको हम ये नी चेस्ट पोजिशन देते हैं। नेक्स्ट है लास्ट है, दैट इज ऑर्थोपेनिक पोजिशन, तो आप देख सकते हैं ये ऑर्थोपेनिक पोजिशन, उसमें क्या है कि इंडिकेशंस क्या है कि पेशेंट विद सीवियर डिस्निया, कार्डिक पेशेंट होता है, अगर सीवियर डिस्निया पेशेंट को सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम होती है तो ये पेशेंट को पोजीशन देती है। पोजीशन फॉर थोरेसेंटिसिस, अगर पेशेंट को लंग प्रॉब्लम है, लंग्स में प्रॉब्लम है तो सांस लेने में प्रॉब्लम, तो हम पेशेंट को ये पोजीशन देते हैं। ओके।